यादाश्त को तेज करते हैं और इस काम के ये कितने पैसे चार्ज करते हैं फ्री है सस्ते हैं महंगे हैं या हमारी पहुंच से बाहर हैं तो चलिए शुरू करते हैं असलामीकुम वालेकुम असल कैसे है आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया भाई आपका तारुफ आपकी जुबानी मेरा नाम मोहसिन भट्टी है आ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बहुदी सिकले यूनिवर्सिटी और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है माइंड वर्कशॉप जिसमें हम बच्चों की मेमोरी इंप्रूव करते हैं जहन हमारा हम जो जैसा देखते हैं हमारी जिंदगी हमारा जहन चला रहा है ये मेरी तीन साल की रिसर्च थी जिसको मैंने नाम दिया ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपकी लाइफ में होता है लेकिन नॉर्मली हम देखें हम अच्छा सोच रहे होते हैं लेकिन अच्छा लाइफ में हो नहीं रहा होता इसका मतलब है जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं वैसा नहीं होता जो सब कॉन्शियस में हमारे जो बचपन की बातें बैठी हुई हैं वो हमारे जहन में हम उसी के मुताबिक हमें आउटपुट जिंदगी में मिल रहा होता है तो यहाँ से मुझे आइडिया आया मेमरी का कि एजुकेशन में सबसे बड़ा मसला भूल जाना है कि बच्चे कोशिश भी करते हैं याद करने की अगर हम भी देखें हम भी कोशिश करते थे याद करके जाते थे लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाते थे तो उसकी वजह यह है कि हमें सिखाया नहीं गया कि याद कैसे करते हैं क्यों एक ड्रामा या एक मूवी जो है वो देखते ही याद हो जाती है और जिस सबक को हम बार बार दोहराते हैं बार बार याद करने की कोशिश करते हैं वो हम एग्जाम में जा कर भूल जाते हैं तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम काम कर रहे हैं और ये जो मसला है ये कोई एक दो या एक दो लाख या एक दो करोड़ लोगों का नहीं ये तो पूरी दुनिया का कॉमन मसला है कि याददाश्त कमजोर रहती है और बचपन में सीखी हुई चीजें मरते दम तक साथ चलती है तो ये कैसे मुमकिन है कि जो हमने बचपन में सीखा था आज प्रैक्टिकल लाइफ में आके उसको भूल जाए देखें ये मसला है लेकिन यादाश्त कमजोर या तेज नहीं होती है हमें यही सिखाया गया है कि एक बच्चा कुंद जहन है और एक बच्चा तेज जेन है जबकि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसी सलाहियतों के साथ पैदा किया है मैं जब बच्चों के साथ सेमिनार करता हूं और उन्हें मैं ये कहता हूं कि क्या आप क्यामत वाले दिन अल्लाह तला से ये कह सकते हैं कि या अल्लाह मेरे दोस्त को तो अच्छी मेमोरी दी थी वो डॉक्टर बन गया मैं पीछे रह गया तो उनका एक ही जवाब होता है बिल्कुल नहीं कह सकते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही समझें इसको ऐसे बोलते हैं कि देर इज नो गुड और बैड मेमोरी देर इज ऑलवेज ट्रेन एंड अन मेमोरी कि जितना आप ट्रेनिंग लेंगे आपकी इतनी तेज होती रहेगी तो ये आ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं कि जी मैं चीजें रखता हूं और भूल जाता हूं बिल्कुल आपने सही कहा कि लाखों का नहीं करोड़ों मतलब सबका एक इशू है और ये इशू बच्चों में भी होता है लेकिन बच्चों ने कभी नहीं सोचा कि हमारी यादाश्त कमजोर हो रही है हम यही सोचते रहते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है तो जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है और इसको सीखा जा सकता है साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो कि मैंने अपनी किताब में भी बताए हैं कि जिनकी मदद से और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अवेयरनेस का है कि एटलीस्ट हमारे बच्चों को समझ में आए कि दुनिया इतनी आगे तरक्की कर चुकी है तो हमें अभी तक वो टेक्निक से पता नहीं है चार साल पहले जब मैंने शुरू किया और जब मैंने ये डेमो देखा था कि कैसे मिनटों में चीजें याद हो जाती तो मैं खुद भी हैरान रह गया और अब जब मैं डेमो देता हूं तो लोग हैरान रह जाते हैं कि कैसे आप इतनी जल्दी याद कर लेते हैं तो इसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि अल्लाह तैयार ने बहुत ज्यादा जहन दिया मैं भी आपकी तरह का इंसान हूं लेकिन सिर्फ मैं चूकी वो टेक्निक यूज करता हूं जिसकी मदद से आसानी से चीजें याद हो जाती है याददाश्त का